हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशीत जो और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल जूनियर। और आज हम बात करेंगे लैपटॉप या पीसी में कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लैपटॉप या पीसी के कीबोर्ड पर ऐसे एक स्टार्ट आइकॉन का एक बटन रहेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ऐसा एक लैपटॉप या पीसी के स्क्रीन पर ऐसा एक स्टार्ट आएगा, उसमें आप लोगों का स्नैपिंग टूल का ऑप्शन दिखेगा ऐसा, उसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद और एक शार्ट आएगा न्यू कैंसिल ऑप्शन, उसके बाद आप लोगों को न्यू में क्लिक करना होगा। न्यू में क्लिक करने के बाद ऐसा आप लोगों के सामने एक प्लस मार्क आ जाएगा। उसके बाद माउस के राइट बटन में आप लोगों को प्रेस करके ऐसा मूव करना होगा। मूव करने के बाद आप लोगों का स्क्रीनशॉट तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाने के बाद आप लोगों का स्क्रीनशॉट तैयार हो गया, उसके बाद यहाँ पर ऐसा दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाएगा फाइल, ऐसे फाइल में क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव एज में क्लिक करना होगा, और सेव एज में क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर कैप्चर दिखाएगा। ये ऐसे कैप्चर का चेंज कैप्चर भी रख सकते हैं, इसका नाम और कैप्चर को चेंज करके कुछ अलावा मतलब वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो कैप्चर को चेंज करके मैंने इसका नाम रख दिया स्क्रीनशॉट रख दिया। रख देने के बाद आप लोगों का लैपटॉप के कंप्यूटर के फोल्डर में ये सेव हो गया। सेव होने के बाद आप लोगों का स्क्रीनशॉट तैयार हो गया। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।